हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एटीट्यूड यूपीएससी स्प्रेड में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे वोकैब के बारे में, तो आज भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले वीडियो चलते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले का वीडियो वीडियो के प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वोकैब सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज का क्लास करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अडॉर्न। अडॉर्न मीन्स होता है सुंदर बनाना या सजाना। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफुल, डेकोरेट, इम्बेलिश, ऑर्नेट, गार्निश, डेक, बिलीफ और कन्फिड। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा डीफेस, डिसफिगर, डिफॉर्म, स्पॉइल और स्ट्रिप। एंड नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन मीन्स हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेडिकेशन, आइडोलाइजेशन, एडोरेशन, आइडियलाइजेशन, एप्रिसिएशन, अप्रूवल, एडमिरेशन एंड फ्लैटरी कंप्लीमेंट। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा कंडेमनेशन, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंडेमनेशन, डिसअप्रूवल, डिसरिगार्ड, स्कॉर्न, बिलिटलमेंट, डेप्रिसिएशन एंड डिस्परेजमेंट। एंड नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस मीन्स हो जाएगा एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोसीड, प्रोग्रेस, गो अहेड। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा बैकवॉश, रिट्रेट, रिट्रैक्ट, रिवर्स, टर्न अबाउट, डिसकंटिन्यू, टर्न अराउंड, हॉल्ट और स्टॉप। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड में हमारा है, नेक्स्ट है एडवांस्ड। उधर था एडवांस और ये है एडवांस्ड। एडवांस्ड में हो जाएगा विकसित, यानी कि डेवलप्ड, इवॉल्व्ड, इम्प्रूव्ड, प्रोग्रेसिव, रिफाइंड, प्रिकोशियस, मॉडर्न एंड डेवोनियर। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रीन, इमेच्योर, क्रूड, अंडर डेवलप्ड, अनसोफिस्टिकेटेड, अंडरसाइज्ड, रस्टिक, बैकवर्ड, सेवेज, इम्ब्रायोनिक, प्रीमेवल एंड प्रीमोर्डियल। एंड नेक्स्ट है एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स हो जाएगा विरोधी, यानी कि सिनोनिम्स है एंटागोनिस्ट, इनेमी, फोई, हॉस्टाइल और अपोनेंट। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, एमिगो, कॉम्पेनियन, एलाय, बडी, एसोसिएट, कॉमरेड और कम। नेक्स्ट है एडवर्स। एडवर्स मीन्स हो जाएगा प्रतिकूल और विषम या विषम। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसएडवांटेज, हॉस्टाइल, इनिमिकल, प्रीजुडिशियल, अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांटेजियस, फेवरल, फ्रेंडली, सपोर्टिव, सिंपैथेटिक एंड सेलुब्रियस, कंडक्सिव एंड हेल्पफुल। एंड नेक्स्ट है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स हो जाएगा विपत्ति, यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्च्यून, कैलमिटी, डिजास्टर, मिजरी, एप्लीकेशन एंड मिसाप। एंड एंटोनिम्स है प्रोस्पेरिटी, फॉर्च्यून, जैकपॉट, फेवर एंड विंडफॉल। एंड नेक्स्ट वर्ड है एफिलेट। एफिलेट मीन्स हो जाएगा संबंध करना, यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा अनेक्स, ग्राफ्ट, इनकॉर्पोरेट, यूनिट और एडॉप्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा सेवर ट्रांसप्लांट, सेपरेट, डिसजॉइन और डिसयूनिट। एंड नेक्स्ट है एफिर्मेशन। एफिर्मेशन मीन्स हो जाएगा अभिपुष्टि। तो इसका सिनोनिम्स है एसर्शन, एसेवरेशन, एवोसमेंट, एवोवल, क्लेम, डिक्लेरेशन, कन्फर्मेशन। एंड एंटोनिम्स है डिसअवॉल्व,
डेनियल डिसअप्रूवल एंड ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मीन्स हो जाएगा समृद्धि, यानी कि सैनोनिम्स है वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अपुलेंस, लग्जरी, रिचनेस, फॉर्च्यून और इनकम। एंड एंटोनिम्स है पोवर्टी, पेन्यूरी, इम्पोवरिशमेंट, इंडिजेंस एंड डिस्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट वर्ड है, चलिए तो अब हम वन वर्ड देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा फर्स्ट वन वर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स हो जाएगा मछली घर, यानी कि अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कैप्ड, यानी कि ग्लास का वह घर जहाँ मछली पानी और प्लांट को रखा जाता हो, जिस उसी को कहेंगे एक्वेरियम, यानी कि मछली घर। एंड नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स हो जाएगा जलीय, यानी कि एनिमल विच लिव्स इन वाटर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे ये एन नहीं होगा, ये एन, एक सेकेंड माई सर, यहाँ पे ये एन नहीं होगा, हाँ अब सही है। तो एक्वेटिक मीन्स हो जाएगा एनिमल विच लिव इन वाटर, यानी कि जलीय। नेक्स्ट है एरेबल मीन्स हो जाएगा सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि कृषि के योग्य जो हो उसी को कहेंगे एरेबल। एंड नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, यानी कि समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू, यानी कि मध्यस्थ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर मीन्स हो जाएगा कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल, यानी कि पौधे व सब्जियों की खेती को कहेंगे आर्बोरिकल्चर। एंड नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी मीन्स हो जाएगा द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, यानी कि पुरातात्विक विज्ञान को कहेंगे आर्कियोलॉजी। एंड नेक्स्ट है हमारा आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मीन्स हो जाएगा ग्रुप ऑफ आइसलैंड, यानी कि द्वीप समूह, द्वीपों के समूह को कहेंगे आर्किपेलागो, यानी कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड। एंड नेक्स्ट है आर्चिव्स मीन्स हो जाएगा द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर कैप्ट, यानी कि अभिलेखागार, वह जगह जहाँ ऐतिहासिक चीज को रखा जाता है उसी को कहेंगे अभिलेखागार, यानी कि आर्चिव्स। एंड नेक्स्ट है अरेना मीन्स हो जाएगा अ प्लेस विथ सीट्स अराउंड इट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी कि मैदान जहाँ खेल इत्यादि का आयोजन हो उसको कहेंगे अरेना। एंड नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी मीन्स हो जाएगा अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि कुलीन तंत्र को कहेंगे अरिस्टोक्रेसी। एंड नेक्स्ट है आर्मिस्टिक्स मीन्स हो जाएगा द सेशंस ऑफ वेलफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, यहाँ पे एस डबल हो गया है इसको भी। यानी कि युद्ध विराम को कहेंगे आर्मिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट है आर्सन मीन्स हो जाएगा इंटरनेशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, यानी कि आग लगाना को कहेंगे आर्सन। एंड नेक्स्ट है आर्सेनल मीन्स हो जाएगा शस्त्रागार, यानी कि अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोरेज एंड ट्रेनिंग इज गिवन फॉर द यूज ऑफ आर्म्स, यानी कि शस्त्रागार को कहेंगे आर्सेनल। एंड नेक्स्ट है आर्सोनिस्ट मीन्स हो जाएगा अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, यानी कि आगजनी करने वाले को कहेंगे आर्सोनिस्ट। एंड नेक्स्ट है
आर्सन फिया, अरे यार यहाँ पे भी मिस्टेक, आर्सन फोबिया, यहाँ पे होगा फोबिया, PHOBIA, आर्सन फोबिया। आर्सन फोबिया में से जाएगा फियर ऑफ फायर, यानी कि आग से डर को कहेंगे आर्सन फोबिया। एंड नेक्स्ट है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट में से जाएगा गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया, यानी कि सुस्पष्ट। एंड नेक्स्ट है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में से जाएगा वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट, यानी कि कलाकार को कहेंगे आर्टिस्ट। एंड नेक्स्ट है एस्केटिक, एस्केटिक में से जाएगा वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डैनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी कि सन्यासी को कहेंगे एस्केटिक। एंड नेक्स्ट है स्क्राइब, स्क्राइब मीन्स हो जाएगा श्रेय देना, यानी कि रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय समथिंग। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा ईडियम, तो अब हम ईडियम देखने वाले हैं, अब हम ईडियम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट ईडियम है एन ओल्ड अहेड ऑन यंग शोल्डर, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, मीन्स अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। एंड नेक्स्ट है ब्रेक प्रिसियंस हेड, यानी कि टू यूज बैड ग्रामर, यानी कि खराब बर्तनी के उपयोग को कहेंगे ब्रेक प्रिसियंस हेड, यानी कि खराब बर्तनी। एंड नेक्स्ट है कम टू अहेड, कम टू अहेड मीन्स हो जाएगा रीच अ क्राइसिस, यानी कि संकट में आना को कहेंगे कम टू अहेड। एंड नेक्स्ट है बरी या हाइड वंस हेड इन द सेंड, यानी कि टू इग्नोर समथिंग एंड नॉट टू फेस रियलिटी, यानी कि किसी चीज़ को ना देखने का नाटक करके उसका सामना करने से बचना को कहेंगे बरी या हाइड वंस हेड इन द सेंड। एंड नेक्स्ट है गोइंग ओवर वंस हेड, यानी कि समझ से बाहर होना, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट हैंग वंस हेड, यानी कि टू बी SMD, यानी कि सिर झुकाना या शर्मिंदा महसूस करना। एंड नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर, यानी कि बहुत अधिक बेहतर होना, मच बेटर देन अदर। एंड नेक्स्ट है हेड इन द क्लाउड, यानी कि टू डे ड्रीम, यानी कि दिन में सपने देखना, हेड इन द क्लाउड। एंड नेक्स्ट है हेड स्टार्ट, यानी कि एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्सेस, यानी कि प्रारंभिक बढ़त को कहेंगे हेड स्टार्ट। एंड नेक्स्ट है, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इससे पहले का वीडियो वीडियो के प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पीछे का वीडियो अच्छे से देखिए और रिविज़न करते रहिए। धन्यवाद।